हेलो गैस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खरीस होंगे, फिट फाट होंगे। तो हाजिर है दोबारा एक नई अपडेट के साथ। जी हाँ, आईसीसी के जो ऑफिशियल्स थे वो पाकिस्तान आए हुए थे और उनका जो दो दिन का दौरा था वो मुकम्मल हुआ। इसके अलावा आईसीसी के जो ऑफिशियल्स थे वो 2008 के बाद जो है वो पाकिस्तान का किसी भी आईसीसी के जो चेयरमैन थे उनका पाकिस्तान का ये पहला दौरा था। आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान का कितना इंपॉर्टेंट दौरा हो सकता था। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि जो आईसीसी के जो चेयरमैन थे वो पहले इंडिया से होकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जो है वो नाजुक सूरत हाल चल रही है। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, बिल्कुल ही मतलब कि वो तैयार नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि हमारी जो इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेलने की जो मतलब शर्त है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो तब मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त देगी, तभी हम जो है इंडिया में जाके एशिया कप वर्ल्ड कप खेलेंगे। इसके अलावा उन्होंने दूसरी शर्त ये रखी कि इंडिया जो है वो हाइब्रिड जो मॉडल है पीसीबी का उसको एक्सेप्ट करे और तभी जो है वो दूसरी सूरत हाल के ऊपर हम जायज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा आईसीसी के जो चेयरमैन थे वो मतलब जो आईसीसी का 4 साल फाइनेंशियल मॉडल आना है उस पर भी पाकिस्तान को काफ़ी सारे तहफात हैं, क्योंकि इंडिया को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसका हिस्सा मिलने जा रहा है। तो पीसीबी जो है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा जो है एतराज़ है, क्योंकि इंडिया को 36.5 मेरे ख्याल से कह रहे हैं कितना, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी ममालिक को साइड पे रख रहे हैं और सारा ही मतलब जो है वो फाइनेंशियल मतलब पैसा जो है वो इंडिया के पास जा रहा है। इसके अलावा एशिया कप की जो मेन मतलब कि आप सूरत हाल देखें कि इंडिया जो है बज़िद है कि पाकिस्तान में किसी सूरत जो है वो एशिया कप नहीं होगा, और वो ज़िद पर हैं कि एशिया कप हर सूरत श्रीलंका में होगा। इसके अलावा श्रीलंका ने भी कहा कि वो हम हर सूरत तैयार हैं, मतलब मुख्तसर नोटिस पर जो है वो किसी सूरत पर हम तैयार हैं कि आप अब जब भी कहें हम तैयार हैं कि हमारे मुल्क में जो एशिया कप है वो हम करवा सकते हैं। खैर, अब ये भी आ रहा है कि शायद कुछ दिन के बाद जो है वो आईसीसी की जो है एशिया कप मतलब कि एशिया के क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान मीटिंग हो और वहाँ पर डिसाइड हो कि क्या जो है वो फाइनल फैसला वहीं पर होगा। इसके अलावा मतलब कि 8 जून 7 जून को जो है एशिया कप जो वर्ल्ड कप का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसी के दौरान वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो जाए। देखते हैं कि ये जो ऊँट है वो किस करवट जाके जो है वो बैठता है। खैर, ये सारी आज की सूरत हाल थी। मतलब पीसीबी जो है वो भी डटा हुआ है और मतलब कि जो इंडिया का बोर्ड है वो भी डटा हुआ है। तो ये आज की सारी अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के